नुपुर शर्मा के विवादित बयान को आधार बनाकर दो हत्याएं हो चुकी हैं। दोनों की खंजर से गर्दन काट दी गई। हालांकि दोनों कांड के हत्यारे पकड़े जा चुके हैं, इसके बावजूद कट्टरवादियों की जाहिलियत कम नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नुपुर शर्मा की गर्दन की कीमत लगाई जा रही है। जिसने पैदा किया मेरी उस मां की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, ठोक के कहता हूं जो की गर्दन लाएगा मैं अपना उसे ये घर से मुंह मारूं। इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवाल उठा दिए, माथे पर टोपी, हाथ में तस्बीह और जुबान पर मजहबी प्रतिशोध से भरी खूनी धमकी। कट्टरवाद में लिपटे इसके हर लफ्ज लहू से भीगे हुए हैं। शब्द शब्द नफरती है। रुंधे हुए गले से ये इतना जहर उगल रहा है, ये इतनी विद्वेषपूर्ण बातें बोल रहा है जिसे हम हूबहू सुना भी नहीं सकते। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि इसका हर वाक्य हिंदुस्तान के कानून को सीधी चुनौती है। इसकी मंशा, इसका इरादा, इसकी सोच और धर्म की आंच पर उबल रहे इसके जज्बात हिंद के अमन पर सबसे बड़ा खतरा है। तन सर से जुदा करने वाले प्रण का विस्तार है। जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे मेरे बच्चों की कसम में गोली, और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ जो तू लाएगा Who will ever like give me that? मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रोस्ते में निकल जाऊंगा, ये वादा करता है सलमान खाजा का इतना गुलाम। तुम मरो, इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवाल उठा दिए। जब मजहब के नाम पर जालिम सरे बाजार खंजर से गर्दन काट रहे हैं, जब धर्मांधों के भड़काने पर दरिंदे सरे राह किसी का कत्ल कर रहे हैं, जब लिस्ट तैयार कर ताली पानी धमकी दी जा रही है, तब खादिम सलमान चिश्ती सोशल मीडिया पर नफरत को एक पायदान और ऊपर उठा रहा है। गर्दन की कीमत तय कर रहा है, अब पुलिस इसे खोज रही है। सामाजिक सौहार्द पर कट्टरवाद के हथौड़े से चोट कर सलमान चिश्ती फरार है। टीम लगा दी है, जो आरोपी को जो दरगाह क्षेत्र में रहता है उसको उसकी तलाश जारी है। उसके खिलाफ भी वो नशे की स्थिति में अपीयर हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह की बयानबाजी उनके द्वारा की गई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी की जिंदगी के बदले हत्यारे को इनाम में अपना मकान देने का ऐलान करने वाले सलमान को पुलिस गली गली खोज रही है, वो फरार है। हालांकि ये नफरती सलमान कोई आम नाम नहीं है, अजमेर में अजमेर दरगाह का खादिम है। दरगाह के अंदर सभी खादिमों को अपने अपने हुजरे अलॉट हुए हैं, उन्हीं में से एक हुजरा सलमान का भी है। बताया जा रहा है कि सलमान ने नफरती वीडियो हुजरे में बनाया है। हालांकि सिर कलम करने की सुपारी देने वाले सलमान चिश्ती से दरगाह की कमेटी खुद को अलग कर रही है। उसका सर काट दो, उसका सर कलम कर दो, इट्स हाईली कंडेमनेबल। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और पुलिस जाने वो जाने जो इस किस्म के नारे लगाते हैं, ये एक गुलदस्ता है भारत। जो भी इस किस्म की हरकत करता है उसको सख्त सजा दी जाए। पुलिस के रोज नामचे में सलमान चिश्ती का नाम बहुत पुराना है। हत्या से लेकर मारपीट तक इंडियन पिनल कोड की कई धाराओं में सलमान का नाम दर्ज है। मसलन आईपीसी 302 के तहत हत्या के 3 मुकदमे दर्ज थे, आईपीसी 307 के तहत हत्या के प्रयास के कई मुकदमे थे, आईपीसी 323 के तहत मारपीट के कई मुकदमे हुए थे, ड्रग्स तस्करी के लिए एनडीपीएस एक्ट में भी मुकदमा था। चिश्ती पर कुल 14 मुकदमे दर्ज किए गए थे। 2006 में 13 मुकदमे खत्म हो चुके हैं। फिलहाल 323 का एक मुकदमा अंडर ट्रायल है। आदतन अपराधी सलमान चिश्ती घनघोर नशेड़ी है। नशे में वो अपना आपा खो बैठता है, और लोगों से झगड़ा और मारपीट करना उसके लिए आम बात है। लेकिन इस बार उसने जिस नाजुक मसले पर चोट कर खूनी धमकी दी है, गर्दन काटने की सुपारी जारी की है, वो बेहद गंभीर है। यही वजह है कि पुलिस उसे खोज रही है, उसके अपने उससे दूरी बना रहे हैं, और ये धमकी तब दी है जबकि 21 जून को महाराष्ट्र के अमरावती में नुपुर शर्मा के समर्थन करने पर उमेश कोल्हू की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी।
28 जून को राजस्थान के उदयपुर में भी नुपुर शर्मा के समर्थन पर एक टेलर की गर्दन काटकर वीडियो बनाया गया था। और अब उसी राजस्थान के अजमेर में दरगाह का एक खादिम गर्दन काटने की धमकी दे रहा है तो कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि सर तन से जुदा वाली कट्टर सोच के खिलाफ एकजुटता क्यों नहीं दिख रही है, कोई वीडियो संदेश क्यों नहीं जारी किया, क्या कुछ चुप्पी ऐसी खूनी सोच को आगे नहीं बढ़ा रही है।